69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अंतिम दौर की सुनवाई लगातार चल रही है। तो वहीं इस मामले में आज भी सुनवाई होगी और ऐसे में लगातार हो रही सुनवाई से अभ्यर्थियों को जल्द फैसला आने की उम्मीद है। 69,000 मामले में हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मित्रों की तरफ से जीडी वर्मा मौजूद। क्या मामला है, क्यों इतनी लंबी सुनवाई चल रही है और ऐसा क्या है कि आप लोगों की नियुक्तियां नहीं मिल पा रही, लगातार भर्तियों में बार बार अड़चने आ रही? सर, केवल हमारी जो इस समय वैकेंसी फंसी हुई है 69,000, उसमें सिर्फ एक मुद्दा है, क्योंकि पासिंग मार्क जो लगाया गया है वो परीक्षा के बाद लगाया गया है, वो भी 24 घंटे बाद, परीक्षा के 24 घंटे बाद, जिसका कोई रीज़न नहीं। हम लोगों का केवल एक मांग है कि जो ये पासिंग मार्क लगाया गया है, ये आप परीक्षा के बाद पहले कितना भी लगा सकते थे, लेकिन परीक्षा के बाद पासिंग मार्क लगाना गलत है, क्योंकि आप देखे होंगे हाई स्कूल इंटर हर एक में पहले से डिक्लेयर होता है कि इतने % पासिंग मार्क रहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जहाँ शिक्षा मित्रों का कहना है कि उन्हें अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाए, तो बीटीसी और बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें जो कट ऑफ है, जो हाई कट ऑफ है, जो 60-65 की कट ऑफ है, उसको योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए। लखनऊ से आशीष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, R9 TV।